started. Hello everyone, myself Lalita and I'm from Delhi. I've passed out from Rishikesh AIIMS and I've chosen Accon because हम लोग जब ऋषिकेश छोड़ने वाले थे तो वहाँ पे ऋषिकेश एम्स का परमानेंट का एग्ज़ाम हुआ था. तो जो जिन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी, मुझे भी याद है हिमांशु चौहान सर, वो पलमू वार्ड में, वहाँ पर हमारे इस पड़ोसी वार्ड है, तो उनसे इंस्पायर होकर के कि सर आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अकॉन जाओ, आप हो भी दिल्ली से ही तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा. तो फिर कुछ नहीं, तब अकॉन ज्वाइन करा, यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी फैकल्टी, मतलब फर्स्ट डे ही डिसाइड कर लिया कि नहीं यहीं पढ़ना है. कोई भी डाउट नहीं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को. मेन पॉइंट कि सारे टीचर्स हर एक स्टूडेंट को कोलैबोरेटिवली लेके चलते हैं. ये नहीं कि किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, कोई एवरेज है, कोई ब्रिलियंट है, कोई लोअर है, सबको एक साथ लेकर के चलते हैं. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ के टीचर्स की, जो बहुत ही मतलब अप्रिशिएटेबल है. और एंड में मैं बस यही कलेक्टिवली बोलना चाहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत मेन है. अगर आप दिन के भले ही 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, नो मैटर, बट वो डेली होना चाहिए. डेली मीन्स डेली, कोई भी दूसरा काम मेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वर्क्स कम फर्स्ट ऑफकोर्स. तो हमारा इस वक्त पे काम सिर्फ अभी स्टडीज़ है, तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है ना तब लगता है कि हाँ कि भगवान जी भी हैं, हम जिनसे दुआ करते रहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो बस मेंटेन योर कंसिस्टेंसी. थैंक यू. सो कोई एक सिंगल वर्ड में अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर दें अकाउंट. ग्रेट, जो आप कहना चाहो. ग्रेट मींस मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट आई गेस होगा. नहीं नहीं, मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा, बट हाँ वीडियोस देखते थे यूट्यूब में. बट बाकी अपने बैचमेट से सुना है कि हाँ हमने वहाँ ज्वाइन करा, उनसे पूछते थे कि कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो वो कहते थे कैसे, तो हम सोचते नहीं हमारा ही बेस्ट है. क्योंकि वो 2-3 घंटे पढ़ाते थे ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग. क्या नहीं, एक बार पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, ये अच्छी चीज़ है यहाँ की. आपको आगे भी और काफ़ी सिलेक्शन देंगे. Hopefully, thank you.